Hey, hello friends. Hi, this is Mommy Jay and I welcome you to Mommy Jay's World. So as promised, I'm back with the Nykaa shopping haul, guys. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ नायका का रिकमेंडेशन शेयर किया था. नाउ आई हैव कम अप विद द शॉपिंग हॉल जो नायका से मैंने शॉपिंग करी थी पिंक फ्राइडे सेल के दौरान. तो वो सामान आ गया है. तो आई थॉट लेट मी शेयर इट विद यू गाइस. दैट वाज अ नायका रिकमेंडेशंस वीडियो. नायका पिंक फ्राइडे सेल जो थी उसके रिकमेंडेशंस का वीडियो था. तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना शॉपिंग हॉल जो मैंने नायका से खरीदा था. ओके, सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने नायका से खरीदा है, नायका पिंक सेल में खरीदा है, दैट्स दिस लिप बाम. दिस इज फ्रॉम लनीज. सो इट कम्स इन बेरी फ्लेवर एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है गाइस. एंड इट्स राइट नाउ आई कांट अप्लाई इट बिकॉज मैंने ऑलरेडी लिपस्टिक इज ऑन. तो यूजली हम इसे रात को अप्लाई करते हैं ऑन द लिप्स एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, ट्रस्ट मी. बट इट्स बिट ऑन द प्राइसियर साइड. इस पे ज्यादा ऑफ नहीं था सेल के टाइम. मैं सारे प्राइसेस जो है ना गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी प्रोडक्ट के नाम के साथ. इनके ऑलरेडी लिंक्स जो है मैंने आपको मेरे रिकमेंडेशन हॉल्स में दिए हुए हैं. तो मैं प्रोडक्ट के सिर्फ नाम और जो प्राइसेस है, जो सेल प्राइसेस है, वो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ये इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो. इसे हमने थोड़ा बहुत यूज कर लिया है एंड इट्स वेरी हाइड्रेटेड, ट्रस्ट मी. और मैंने कुछ चीजें स्टॉकअप भी की है जो ऑलरेडी मेरे पास है उनको. जैसे कि ये फाउंडेशन मैंने आपको तभी भी उस वीडियो में बताया था कि मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन. आई एम इन द शेड 310. ये मेरा शेड है तो ये मैं यूज करती हूँ. तो मैंने स्टॉकअप कर लिया ऑलरेडी बिकॉज तो ऑफ था ना गाइस, तो इसीलिए मैंने इसे स्टॉकअप कर लिया. तो मेबेलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसे भी मैंने स्टॉकअप कर दिया है बैकअप के लिए. तो इवन इन दिस माई शेड 310 सन बेज. ओके, तो मैं सारों के जो है प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके, एंड कंसीलर ये भी मैंने आपको मेरे लास्ट वाले वीडियो में बताया था. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी, मैं लिंक उस वीडियो के भी नीचे दे दूंगी. आपको आई बटन पे भी इसकी लिंक मिल जाएगी मेरे प्रीवियस वीडियो की. सो द शेड इज मीडियम बेज. तो इसे भी मैंने बैकअप के लिए स्टॉकअप कर दिया है. ओके, सो मैंने लास्ट जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे उसमें से ये है गाइस कलर बा का, जो मैंने आपको कहा था ना कि स्टॉकआउट दिख रहा है तभी, बिकॉज मैंने भी ऑर्डर कर लिया था उसके बाद मुझे वो स्टॉकआउट दिख रहा था. तो वो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, लुक एट दिस, लाइक दिस, ऐसे पैकेजिंग में आता है. ये कलर बा का ब्लश है. तो ये शेड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने कहा था कि स्टॉकआउट हो गया है, तो दिस इज स्वीट स्कारलेट. द नंबर इज 016 016 स्वीट स्कारलेट. तो ये वो शेड है गाइज एंड इट्स रियली वेरी गुड. इवन राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस ब्लश. ओके, तो ये सारे इंडियन स्किन टोन्स पे जाता है. तो यू कैन ऑल्सो यू नो ट्राई योर हैंड्स ऑन दिस ब्लश, यू कैन सी द शेड. ओके, तो ये एक ब्लश ऑर्डर किया है मैं. ओके गाइज, तो ये सेकेंड ब्लश है गाइज उसी रेंज से और इस शेड का नंबर है 009 एंड इसका नाम है कोरल क्रेविन. तो गाइज मेरे पास ऐसा कोरल कलर का ब्रश नहीं था, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ऑर्डर वन, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है. बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है. आई शो यू, लुक एट दिस, लुक एट दिस शेड. तो ये है शेड इसका. तो इट्स नाइस कोरली कलर. ओके, सो एक और ब्लश जो मैंने ऑर्डर किया है, दैट्स फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी ब्लश एंड इसका जो है, ओके, द शेड इज पिंक. एक्चुअली पिंक है, एकदम पिंकिश टोन है, यू नो, अ वेरी लाइट पिंक. आई होप यू कैन सी दिस, आई होप यू कैन सी दिस. तो आप अभी ये कलर ऑब्जर्व कर पाओगे अच्छे से. तो दिस इज द शेड गाइज. ओके, सो दैट्स द शेड. पिंक टोन है, काफी पिंकिश सा प्यारा सा कलर है, बेबी पिंक. इसका जो शेड का नाम है दैट इज पिंक. ओके, तो सारे प्राइस, सेल प्राइस और इसका जो जो भी कलर है, शेड है, व्हाटएवर, आई विल मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, दैट्स फॉर द ब्लश. तो मैंने एक लिपस्टिक भी आपको रेकमेंड की थी दैट वीडियो, दैट्स मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे. ओके, नाउ दिस इज लाइक अगेन अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक, मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक. इट्स दैट्स व्हाट इट इज, इट्स सुपर स्टे गाइस, ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करोगे. इट्स लाइक अगर आप इसे एक बार अप्लाई करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस. मतलब ये निकलेगी नहीं. तो अभी जब हम कोविड टाइम गाइस, वी कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस लिपस्टिक, क्योंकि क्या होता है, हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं एंड देन वी वेयर मास्क, राइट? एंड फिर अगर हमें बाद में जब निकालना हो फोटोज के लिए, मास्क नीचे करना हो, तो हमारी लिपस्टिक जो है गाइज वो गायब हो चुकी होती है, वो मास्क खा लेता है, राइट? तो फॉर दैट दिस इज अ परफेक्ट सोल्यूशन. ओके, सो दैट्स मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक. ओके, सी द शेड अगेन, दिस विल गो ऑन ऑल इंडियन स्किन टोन्स.
आप देख सकते हो, लुक एट दिस वॉच, सो दैट्स द शेड, आई होप यू कैन सी, सो दैट्स दिस वॉच गाइस, लुक एट दिस, ओके, सो दैट्स दिस वॉच फॉर यू. सो ये काफी स्किन टोन्स और आउटफिट्स पे भी जाएगा, इसीलिए ये शेड मैंने पिक किया, दैट्स द शेड कॉल्ड इंस्पायरर. सो गाइज, ये मैंने लिपस्टिक ऑर्डर की थी नाइकास मद्रास, काफी ये मैंने आपको रेकमेंड की थी, मिनी वर्जन है ये इस लिपस्टिक का, इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक अगेन, इवन दैट्स काइंड ऑफ अ सुपर स्टे, मतलब स्मज फ्री लिपस्टिक, ये भी अच्छे से यू नो काफी देर तक जो है स्टे कर जाएगी. मैं आपको बताती हूँ, लुक एट दिस, द साइज इज दिस, दिस इज द मिनी वर्जन विच आई ऑर्डर. तो गाइज, ये काफी न्यूडिश ब्राउनिश साइड पे है, तो इवन दिस गोज ऑन इंडियन स्किन टोन वेरी वेल. ओके, अगर आप इसे ऐसे ही नहीं भी पहनना चाहो ना, तो यू कैन ऑलवेज यू नो वेयर इट विथ अनदर लिपस्टिक एज वेल. ये देखिए, आप देख सकते हो ब्राउन काइंड ऑफ इसका जो इसका स्वॉच मैंने किया है, ये जो है दैट इज मद्रास कॉपी एंड दिस वन इज इंस्पायर. तो ऊपर जो ब्राउनिश आपको दिख रहा है दैट इज मद्रास कॉपी. ओके, सो दिस इज इट. लास्ट वीडियो में गाइज मैंने आपको बताया था लैक्मे की आई हैव टू मोर लिपस्टिक्स, बट मुझे उस वक्त मिल नहीं रहे थे, आई डोंट नो इफ दिस शेड्स आर अवेलेबल राइट नाउ. एंड यू नो इवन ये शेड्स ऐसे है ना थोड़े से, एक शेड जो है वो मैं आपको जो दिखाऊंगी, द नेम इज सैफ्रन गॉसिप. एवरीवन वुड बी एबल टू कैरी दिस, स्पेशली द डस्की स्किन टोन, बट लाइक क्या हो जाता है ना, वेरी पॉपी कलर. लैक्मे 9 to 5 की रेंज की है ये. इसका नंबर है MR7 सैफ्रन गॉसिप. ओके, सो ऑल आर नॉट एबल टू कैरी दिस शेड. अभी भी मैंने यही शेड पहना हुआ है, इट्स वेरी गॉडी एक्चुअली, वेरी ऑरेंज ही, इट्स वेरी नाइस शेड, बट आई लाइक इट. तो ये वो शेड है गाइस. सो व्हाट आई डू इट ना, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बेस में मद्रास कॉपी अप्लाई किया विच इज अ न्यू शेड, उसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया है द सैफ्रन गॉसिप लैक्मे 9 to 5, और उसको मैंने थोड़ा सा मैटिफाई किया है मेरा जो मेहर मैक मेहर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जो मेरी गो टू लिपस्टिक है, उससे थोड़ा टॉप किया और सटल किया है. तो आई गॉट अ नाइस कोरली, यू नो मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा, बट शेड हैज कम आउट सो ब्यूटीफुल, एक नाइस कोरली लिपस्टिक इट हैज कम आउट, वेरी नाइस, लवली सटल कलर, बहुत ही अच्छा है. एंड अनदर विच आई हैव दैट्स अगेन फ्रॉम द 9 to 5 रेंज, इट्स बर्गंडी बिजनेस. ओके, इट्स MB6 शेड नंबर. ये टोन जो है ना गाइज, ये वाली लिपस्टिक जो है ये काफी स्किन टोन्स पे जाती है, इवन द डस्की स्किन टोन्स कैन कैरी रैन सच ब्यूटिफुल शेड लगाने के बाद, न्यूडिश पिंकिश काइंड ऑफ अ शेड, मॉवी पिंक काइंड ऑफ अ शेड इट इज, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. आई टेल यू गाइस, अगर मैं स्वॉच करूंगी तो शायद आपको नहीं दिख पाएगी, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड, लुक एट दैट. ये जो लंबी मैंने लाइन बनाई ना, दिस वन इज द शेड जो मैंने अभी आपको दिखाया. ओके, सो दैट इज दिस वन. अगर आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो कुछ भी, तो भी आप ये शेड जो है कैरी कर सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल शेड. और वो ऑरेंज वाला भी मैं आपको स्वॉच करके बताती हूँ. सो दिस आप देख सकते हो ऑरेंज गॉसिप, मैंने आपको बताया ना गाइस, दिस इज दैट शेड, सो दैट इज द ऑरेंज गॉसिप. ओके, सो दैट्स आई एम डन विद द लिपस्टिक नाउ. मैंने एक जो है अपने लिए कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर, गाइस ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट रोज वाटर. ओके ओके गाइस, तो आप इसे एज अ टोनर यूज कर सकते हो, एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, यू नो एज अ फेस मिस्ट यूज कर सकते हो. कभी आप बाहर जाते हो, टायर्ड फील कर रहे हो, फ्रेश नहीं फील कर रहे हो, जस्ट स्प्रे इट एंड इट्स लाइक यू इमीडिएटली गेट फ्रेश अप, तो इट्स दैट गुड. एंड इट कम्स इन अ स्प्रे वेरियंट. ओके, ये थ्री छोटी सी बॉटल आती है दिस साइज. ओके, बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, ट्रस्ट मी. मतलब आप कहीं जा रहे हो और आपको ऐसे कुछ फ्रेश बाहर अगर जा रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन यूज इट. एंड बेसिकली इट्स एंड इट्स फ्रॉम कामा आयुर्वेदा गाइस, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोज वाटर्स अवेलेबल. एंड तो आई व्हाट आई डिड, आई बॉट दैट रोज वाटर, आई गॉट सम फ्री गुडीज इसके साथ. एंड एक मुझे मिला है नीम तुलसी टी ट्री बॉडी स्क्रब, एंड दिस इज अ बॉडी वाटर, बोथ आर फ्रॉम कामा आयुर्वेदा. तो ये मुझे फ्री गुडीज मिले हैं बिकॉज आई बॉट द रोज वाटर अलॉन्ग विद दैट. एंड अगेन मैंने कलर बा के भी ब्लशेस जो ऑर्डर किए थे उसके साथ ये मैंने आपको रेकमेंड भी किया था. आई गॉट दिस नेल रिमूवर, दिस इज नाइस क्वाइट बिग साइज गाइस, तो ये मुझे मिला है 110 ml का कलर बा का नेल रिमूवर जो है, आई गॉट फ्री. और एक और चीज जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑर्डर की है, आई शो यू नेक्स्ट टाइम. सो दिस इज दिस, ये देखिए. सो गाइज, दिस इज नाइकास बीच साइड पीच आई शेडो पैलेट. तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आया था,
एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. तो ये है वो पैलेट, 10 शेड्स है इसमें. पीछे काइंड ऑफ शेड्स है, यू कैन सी दिस आई गेस. ओके, तो मुझे ये शेड्स नहीं थे मेरे पास, आई वॉन्टेड इट. एंड वेरी ब्यूटिफुल शेड्स, ट्रस्ट मी आई टेल यू, लुक एट देम, सच ब्यूटिफुल शेड्स. इवन द शिमर्स, मैट्स, क्या क्या नहीं है इसमें, सच ब्यूटिफुल कलर्स. वेरी ब्यूटिफुल गाइस, आई एम लविंग द पैलेट. और देन आई हैव ट्राइड सेम ऑन, आज मैंने अपना मेकअप जो है इसी से किया, आई मेकअप. तो वेरी ब्यूटिफुल, आई एम जस्ट लविंग इट. तो आई बॉर इट. ओके, तो एक और चीज जो मैंने अपने बालों के लिए कुछ अलग ऑर्डर की है, अदर देन माई रूटीन, अगर आप मुझे जानते हो तो, जो मेरे चैनल पे पहले से है या फिर जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं, आई डोंट यूज मच यू नो प्रोडक्ट्स ऑन माई हेयर. तो आई हैव फर्स्ट टाइम ऑर्डर समथिंग एल्स, तो मैंने सोचा कि लेट मी चेक. नाउ विंटर्स हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, और जैसे कि हमारे स्किन से मॉइस्चर उड़ जाता है तो हमारे बालों से भी मॉइस्चर थोड़ा सा उड़ जाता है, हमारे बाल थोड़े से ड्राई ड्राई से फील करते हैं. तो टू अवॉइड दैट, आई थॉट लेट मी ट्राई अ सेरम, और इसके काफी अच्छे रिव्यूज मैंने सुने थे. So this is from L'Oreal. So that's L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum, guys. And तो इसे भी जो है मैंने इसके जो पीछे instructions पड़े हैं इसमें लिखा था कि इसे it's also again versatile. So it can be used before shampoo, before drying, normally dry बालों पे, before styling. You know, so in any ways it can be used. So let me try this and review it for you. मैं आपको इसका थोड़े दिन बाद honest review दूंगी कि how it suited me और कैसे, because you know my मेरे और मेरे बालों की केमिस्ट्री. तो so I'll surely review it for you guys and I'll let you know कि product मुझे कैसे लगा. तो winters के लिए especially मैंने ये खरीदा है. There was something, एक चीज थी ऐसी जो मैं आपको मेरे last video में recommend करना चाह रही थी, but मैंने नहीं किया because I don't know if I missed it, but मैंने check किया था during the sale, there was not any off on this. तो इस पे कोई off नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आगे videos में आपको बता दूंगी, because वैसे भी वो video काफी लंबा हो रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें उसमें से काट दी थी. तो ओके, तो आउट ऑफ दैट उन चीजों में से एक ये है. दीज काफी लोग यू नो शायद जानते भी होंगे. सो दीज आर शीट मास्क. ओके, तो अगर आपको पता नहीं है तो दीज आर काइंड ऑफ अ फेशियल मास्क, यू कैन से. जैसे हमें टाइम नहीं होता फेशियल करने के लिए, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस शीट मास्क गाइस, एंड ट्रस्ट मी दे आर सेवियर, यू नो. तो जब आपकी स्किन हाइड्रेशन मांगती है, थोड़ा सा डिटॉक्स मांगती है, कुछ पैम्परिंग मांगती है, तो दे वर्क द बेस्ट. और अगर आपको आपकी स्किन को पैम्पर करना हो एट होम, सो शीट मास्क आर द बेस्ट थिंग टू डू. शीट मास्क आर द बेस्ट इन दैट केस. सो ये बेसिकली अभी विंटर्स है गाइस, तो आई विल रिकमेंड ऑल द सॉल्यूशन शीट मास्क, क्योंकि वो काफी हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को. तो ये देखिए मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 10 मास्क थे, एक मैंने अभी कुछ दिन पहले ही यूज किया है. तो ये मेरे पास अभी 9 है. तो दिस इज राइस, दिस इज द सॉल्यूशन. ये या सॉल्यूशन यानी ये पर्पस, आपका क्या पर्पस है आपकी स्किन का, लाइक ब्राइटनिंग, टाइटनिंग. तो इन दैट केस दिस इज द ब्राइटनिंग फेस मास्क. अगेन द पोमोग्रेनेट, पोटैटो, एवोकाडो, देन आई हैव लोटस, आई हैव शिया बटर, अगेन द सॉल्यूशन हाइड्रेटिंग फेस मास्क, एंड दिस इज द ब्लूबेरी. और जिंसिंग वाला था वो मैंने यूज कर लिया. मैंने राइस वाला भी यूज किया है, रोज वाला यूज किया है. यू नो ये यूजुअली नाइका पे ना मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि नाइका पे ना इसपे बाय वन गेट वन, यानी नॉट वन बट लाइक बाय फाइव गेट फाइव. तो दे कॉस्ट यू अराउंड यू नो 150 अराउंड. जो सॉल्यूशन वाले हैं वो आपको 150 के अराउंड कॉस्ट करते हैं ऐसे, बट यू नो यू हैव टू कीप अ चेक. आप नाइका पे अगर देखोगे ना, समटाइम्स आई कीप यू अपडेटिंग जब भी कोई ऐसे ऑफर होगा. तो दे हैव बाय फाइव गेट फाइव, सो इफ यू बाय फाइव यू हैव टू पे फॉर फाइव, बट यू विल गेट 10 मास्क. इसमें ऐसे नहीं वो जो एक चीज ले तो हाफ रेट, इट्स नॉट दैट. आप अब ये 100 रुपीज का एक समझिए खरीद रहे हो, इफ यू बाइंग दिस फॉर 100 रुपीज, तो ऑफर में यू विल गेट दिस फॉर 150 रुपीज गाइस. सो इट्स वेरी गुड ना. सो एट दैट टाइम यू बाय इट, तो आई कीप बाइंग इट एंड आई कीप इट, आई स्टॉक इट अप, और फिर मैं यूज करती हूँ व्हेन एवर आई वांट इट. एंड ट्रस्ट मी इट डज वंडर्स. मतलब वो जो हाइड्रेशन देता है ना आपकी स्किन को, जो फील होता है ना, आप इसे रात को यूज करिए, आपके नाइट टाइम स्किन रूटीन में ऐड करिए, वीक में 2 बार आप लगा लीजिए, या फिर इवन समटाइम्स व्हेन योर स्किन नीड्स टू डिटॉक्सिफाई, आपको पैम्परिंग चाहिए, आप तभी ऐड कर सकते हो. कोई फंक्शन है, जल्दी जल्दी कहीं जाना है, तो यू कैन डू दैट. अगेन अगर आप मेकअप करने से पहले भी अगर आप इसे
अप्लाई करो एंड यू डू द मेकअप यू नो योर मेकअप विल कम आउट मोर पॉलिश्ड यू नो इट्स दैट गुड सो इट्स दैट गुड इट्स अगेन वर्सेटाइल. और ये एक है ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद ये हेल्पफुल भी लगे. आई डू इट जस्ट फॉर पैम्परिंग माई सेल्फ, ये मेरे ज्यादा काम का तो नहीं होता बट मुझे अच्छा लगता है ये करके एंड आई डू इट वंस और ट्वाइस अ ईयर. तो ये बेसिकली है इनिस्फ्री का जीजू वॉल्केनिक ब्लैक हेड 3-step प्रोग्राम. ओके, ब्लैक हेड रिमूवर है ये बेसिकली फ्रॉम ये नोज स्ट्रिप्स है ब्लैक हेड के लिए. काफी सारे लोगों को यहाँ पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं जो मुझे नहीं होते. सो इसको यूज करने के बाद आपके ब्लैक हेड लिटरली निकलते हैं. और अगर नहीं भी निकलते ना तो भी आपके मतलब नहीं भी अगर आपको है ब्लैक हेड्स बट योर नोज फील लाइक पैम्पर्ड यू नो ऐसे शाइन करेगा अच्छा डिस्को बॉल की तरह. लिटरली मेरा नोज वैसे भी शाइन करता है. आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन नॉट इवन ऑयली नॉट इवन ड्राई सो माई नोज इज परफेक्ट. तो मेरा नाक बिना हाईलाइटर के या फिर पैम्परिंग के भी शाइन करता है. बट लाइक दिस इज समथिंग फॉर द पीपल हु रियली डील विद द ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ट्रस्ट मी गो फॉर इट. और इसमें इसके 3 steps होते हैं लाइक तीन अलग अलग इसमें स्ट्रिप्स होते हैं. यू अप्लाई इट थोड़ी देर आप रखिए फिर उसके बाद उसको निकाल दीजिए फिर अगेन देर इज समथिंग यू नो लाइक अ चारकोल स्ट्रिप तो आपको वो अप्लाई करनी है. सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशनड होते हैं तो आप पढ़ लीजिए और फिर आप वो हटाओगे तो उससे आपके ब्लैक हेड्स जो है निकल आएंगे व्हाइट हेड्स जो है निकल आएंगे. 3rd step जो होती है जो जैसे आप फेशियल करने के बाद क्रीम लगाते हैं ना फेस पैक ठंडा तो फर्स्ट दैट सूदिंग इफेक्ट द 3rd step इज. तो इस पे सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं. मैं शायद इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे यूज करना है स्किन रूटीन वाला. आई मेक अ वीडियो ऑन दिस फॉर यू गाइज हाउ टू यू नो इंक्लूड द शीट मास्क एंड द नोज स्ट्रिप एंड ऑल दैट इन योर स्किन केयर रूटीन. तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के दूंगी. ओके सो डोंट वरी. बट इस पे भी ऑफ नहीं था. ये कुछ चीजें है ना ये मैंने सेल से पहले खरीदी थी तो जो मैंने कहा ना मैंने आपको मैं लास्ट टाइम इंक्लूड करने वाली थी बट आई डिड नॉट क्योंकि उस पे ऑफ नहीं था. तो इस पे भी मैंने चेक किया था उस वक्त ऑफ नहीं था. अगर इस पे ऑफ होता ना तो आई वुड हैव श्योरली इंक्लूडेड एंड आई वुड हैव टोल्ड यू कि जस्ट पिक इट अप बिकॉज ये 200 rupees का है कुछ एंड इट्स जस्ट अ 1-time यूज वाला. एक ही बार आप यूज करके देन इट्स यूज इन थ्रो काइंड ऑफ अ स्ट्रो या आप उसको 1 time यूज कर सकते हो बट इट्स वेरी गुड गाइस ट्रस्ट मी यू कैन ट्राई दिस. दैट्स इनिस्फ्री जीजू वॉल्केनिक ब्लैक हेड 3-step प्रोग्राम. ओके द पीपल हु डील विद ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आई हाईली रेकमेंड देम दिस यू नो जस्ट ट्राई इट वंस यू गोना लव इट ट्रस्ट मी. सो गाइस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा. सारे डिस्काउंटेड प्राइजेस भी जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी विद द नेम्स नॉट विद द लिंक्स. प्लीज चेक द प्रोडक्ट लिंक्स माय प्रीवियस वीडियो तो मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइज विद दिस इट्स अ रैप अप. गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना मत भूलिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए. और मैं जल्दी वापस आऊंगी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. अंटिल देन मॉमी जे साइनिंग ऑफ. बाय बाय.